प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी तिवारी जी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह मंटू जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भारती सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुधा वर्मा जी, पूर्व जिला के अध्यक्षगण श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, राम प्रकाश यादव जी, ज्ञान सागर सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, कपिल देव वर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक गण श्री त्रिवेणी राम जी, श्रीमती अनिता कमल जी, श्रीमती संजू देवी जी, जयराम विमल जी, पूर्व प्रत्याशी श्री अवधेश द्विवेदी जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री अजीत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राणा वीर सिंह बीरू जी, ब्लॉक प्रमुख कटहरी अनिल कुमार वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सुभाषपा श्री जगलाल राजभर जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री फूलचंद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, और जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर आप सब एकत्र हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी और निषाद पार्टी के अपना दल के प्रत्याशी के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित श्री धर्मराज निषाद जी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले, आज स्नान का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन हो रहा है। मुझे लखनऊ में आज गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और साथ साथ जनजातीय दिवस गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके साथ ही यहां पर मातृ और पितृ भक्ति के आदर्श महात्मा श्रवण की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों भाइयों, यह अवध प्रांत की भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और निषाद राज की मैत्री की भूमि है। मैं आप सबका इस अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच यहां पर हैं। मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह यह कहनी है कि आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक ओर जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे।
पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों भाइयों, यही स्थिति देश के अंदर आतंकवाद की जड़ धारा 370 को लेकर के थी। कश्मीर में कांग्रेस कहती है कि धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है, और इसके लिए आवश्यक है यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक किसान बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है, बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे, और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा, 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, IIT, एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब का काम तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ विरासत का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों का हम कोई जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना भी यह हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, एक सनातन वाक्य है,
और यहां पर तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने पिछले दो वर्ष दो महीनों के दौरान कटहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहां की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग जन पेंशन, हर गरीब के घर में रसोई कार्ड, रसोई गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में उसका स्वयं का राशन कार्ड, हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, जिस गरीब का अपना मकान नहीं उसको मकान बनाने की सुविधा भी होगी, और जिस गरीब के पास रोजगार नहीं उसके लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी पूरी उन्मूलन की दिशा में हर गरीब को हम सशक्त बना करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है, जिसके पास मकान नहीं मकान मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं आयुष्मान का कार्ड मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन मिलेगा, जिसके घर में बिजली नहीं वहां बिजली मिलेगी, जिसके घर में पानी नहीं उसको पानी देने का काम करेंगे। बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ कार्य आज सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों ये वरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं, इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है, ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अंबेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, राजभर पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, अपना दल ने अपने प्रत्याशी के रूप में श्री धर्मराज निषाद को आपके बीच में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपचुनाव में उतारा है। मेरी आप सबसे विनती होगी, धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के आगे बढ़ाना है, उन्हें विधायक चुनके भेजना है, कटहरी के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे तो को कि कटेहर क्षेत्र के अंबेडकर नगर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पर है
हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, इसके साथ ही जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए साथ ही कहा कि अयोध्या मंदिर बनवाया, 4 करोड़ गरीबों को आवास भी दिए, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत जो भी करेक्शन दिए गए उसके बारे भी उन्होंने जनसभा को संबोधित करते